चिल्ड्रन, वी वर डूइंग चैप्टर 4 ऑफ एग्रीकल्चर। उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर ली थी। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में मेनली क्या था, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और उस ये डिफरेंट इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एंड डिफरेंट पार्ट्स विद इन अ कंट्री ऑल्सो। अलग अलग नामों से हमारी कंट्री में भी कई जगहों पे बुलाया जाता है इसको। पर ये इसके जो मेथड्स होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, मतलब पुराने टाइप्स के होते हैं। इसका जो प्रोडक्टिविटी होता है, लैंड प्रोडक्टिविटी, वो भी लो होता है, क्योंकि फार्मर यूज़ नहीं करता है फर्टिलाइजर्स या मॉडर्न इनपुट्स। ओके, एंड जस्ट फॉर एग्जांपल लर्न 1, 2, 3 नेम्स एंड उस रीजन में उसको किस नाम से बुलाया जाता है, बस। ओके, आपको सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस व्हाट इज़ इन दिस पैराग्राफ यू कैन लर्न। ओके, सो वी हैड डन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, ये कहाँ पे प्रैक्टिस करी जाती है, उन रीजन्स में प्रैक्टिस करी जाती है जहाँ पे बहुत हाई पॉपुलेशन है, और जिसकी वजह से जो प्रेशर है लैंड पर वो भी बढ़ता है, और लेबर इंटेंसिव एग्री फार्मिंग है, और हाई प्रोडक्टिविटी के लिए इधर बायोकेमिकल इनपुट्स भी बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं जिससे हाई प्रोडक्शन मिले। हमने राइट ऑफ इनहेरिटेंस भी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे एक लैंड बढ़ता चला जाता है, और फार्मर्स की सिर्फ वही सोर्स ऑफ इनकम की वजह से उनको प्रेशर डालना पड़ता है लैंड पे, जिससे वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। सो इफ यू हैव एनी डाउट टिल हियर, यू आर फ्री टू आस्क इन द ग्रुप। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, स्पेशली इन प्रिमिटिव फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप, कमर्शियल फार्मिंग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, एग्जाम्पल हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, chemical fertilizers, insecticides and pesticides in order to obtain high productivity. अब HYV seeds का जो full form है वो है high yielding variety seeds। ना जो commercial farming होती है उसमें commercialization करना पड़ता है agriculture का from region to region, जिससे high productivity मिले। और लोग हाई प्रोडक्टिविटी के लिए क्या क्या करते हैं, वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको हाई प्रोडक्टिविटी मिल सके। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब जो कमर्शलाइजेशन है एग्रीकल्चर की, वो वन रीजन से अनदर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। अब राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप हरियाणा और पंजाब में क्यों है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा राइस नहीं खाते हैं, वो ज़्यादा बेचते हैं। ओके, पर उड़ीसा में सब्सिस्टेंस क्रॉप है क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर राइस ही खाते हैं। तो अपने स्टेट के लोगों को फुलफिल करने के लिए उड़ीसा जो राइस की क्रॉप लगाती है वो इसीलिए एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है, ना कि कमर्शियल क्रॉप, क्योंकि वो ज़्यादा सेल नहीं करती है। पर जो हरियाणा और पंजाब में जो राइस की क्रॉप लगती है वो कमर्शियल पर्पस से की वजह से ही लगती है। तो आपको समझ में आया होगा मोर विविडली कि एक कमर्शियल क्रॉप और सब्सिस्टेंस क्रॉप में कितना फर्क होता है। ओके,
सो वी हैव डन थ्री टाइप्स ऑफ फार्मिंग. द फर्स्ट वॉज प्रिमिटिव सब्सटेनेंस फार्मिंग, सेकेंड वॉज इंटेंसिव सब्सटेनेंस फार्मिंग एंड थर्ड वॉज कमर्शियल फार्मिंग. Plantation is also a type of commercial farming. In this type of farming, a single crop is grown on a large area. The plantation has interface of agriculture and industry. अब जो plantations होते हैं वो भी एक type के commercial farming ही होती है. इस type of farming में, plantation farming में क्या होता है, एक बहुत बड़े area में सिर्फ एक ही crop उगती है. और जो प्लांटेशन है वो एग्रीकल्चर में भी मदद करती है और इंडस्ट्री भी. तो मतलब प्लांटेशन इंडस्ट्री का भी हिस्सा है और एग्रीकल्चर का भी. प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स. अब जो प्लांटेशंस हैं वो बहुत बड़े फार्म यूज़ करते हैं, बहुत लार्ज एरिया यूज़ करता है और इसमें कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स मतलब जो मशीनरी होती है जो भी वो होता है उसमें बहुत दे आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड उनको प्लो करना पड़ता है, मतलब बहुत बड़ी फील्ड की देखभाल करनी पड़ती है. तो इसी हिसाब से वो अपना पैसा भी लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स. और जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं उनको वो काम पे यूजुअली रखते हैं. ऑल द प्रोड्यूस इज यूजुअली यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज. और इसका जो प्रोड्यूस होता है मतलब जब इसका जो आउटपुट होता है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है कुछ इंडस्ट्रीज में. इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एट्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स. इंडिया में कौन कौन सी, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं. ओके, इनकी जब खेती होती है तब बहुत यूजुअली बहुत बड़े एरिया में होती है और इसका इंडस्ट्री से भी लेना देना है और एग्रीकल्चर से भी. टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटक आर सम इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स इन दी स्टेट्स. अगर आप असम साइड पर कहीं जाओ तो आप देखोगे वहाँ पर मेनली टी गार्डन्स ही हैं. टी गार्डन्स, टी प्लांटेशंस, बेसिकली टी प्लांटेशंस, क्योंकि उसका एरिया भी फेवरेबल है और वहाँ पर यूजली लैंड यूज होता ही टी प्लांटेशंस के लिए. और अगर नॉर्थ बंगाल में भी जाओ तो कॉफ़ी यूज, नॉर्थ बंगाल कॉफ़ी इन कर्नाटक, सॉरी नॉर्थ बंगाल की कॉफ़ी कर्नाटक में, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं इन इन स्टेट्स में, असम और कर्नाटक में. सिंस द प्रोडक्शन इज़ मेनली फॉर मार्केट, अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, processing industries and markets plays an important role in the development of plantations. अब अगर आपको plantation develop करनी है तो आपको transportation, communication, industries और markets ये सब देख के लेना पड़ेगा, आपको देख ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा. because अगर आप plantation की देखभाल करते हो, अगर आप plantation को own करते हो तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जब आप बेसिकली ये बेचने के लिए करते हो, आप सस्टेनेंस के लिए नहीं करते, सस्टेनेंस के लिए नहीं करते, आप बेचने के लिए करते हो, कमर्शियल पर्पस के लिए करते हो. और कमर्शियल पर्पस आपका तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन हो, कि आना जाने का सामान अगर आपको ट्रांसपोर्ट करने अपनी क्रॉप्स तो उसका ज़रिया होना चाहिए. फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए प्लांटेशन एरियाज़ में. फिर कौन सी इंडस्ट्रीज़ को प्रोसेस करना है, कौन सी मार्केट्स में क्या करना है, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रोल डेवलप करता है और इन प्लांटेशंस. हियर इन फिगर 4.2 एंड फिगर 4.3 दो प्लांटेशन के एग्जांपल्स भी दिए गए हैं. फर्स्ट इज़ द बनाना प्लांटेशन इन सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. सदर्न पार्ट में मेनली बनानास की प्लांटेशन होती है
और नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू प्लांटेशंस। तो ये भी जो प्लांटेशंस हैं वो जो ज़रूरी चीज़ें उनको ध्यान में रख के ही होता है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस में। नाउ बिफोर स्टार्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न, मैं चाहती हूँ कि अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है इन दीज टाइप्स ऑफ फार्मिंग में, तो आप एक बार पूछ लो, क्लियर कर लो अपना डाउट। आई हैव एक्सप्लेन्ड कमर्शियल फार्मिंग एंड देन प्लांटेशंस ऑल्सो, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। अब हम लोग आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न पर। यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्लोरालिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। अब हमें फिजिकल डाइवर्सिटीज़ भी पता ही है इंडिया की, और कितनी कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है वो भी पता है। दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया। बट ये जो डाइवर्सिटीज़ हैं फिजिकल और कल्चरल, ये रिफ्लेक्ट करती है हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी और क्रॉपिंग पैटर्न्स में भी। Various types of food and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condiments, etc. constitute some of the important crops grown in the country. India has 3 cropping seasons, Rabi, Kharif and Zaid. तो अब हमें पता है कि जो फिज़िकल और कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो डाइवर्सिटीज़ हैं, वो रिफ़्लेक्ट करती है हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। अब जो हम फूड उगाते हैं, टाइप ऑफ फूड की, कौन सी वेजिटेबल, कौन सी क्रॉप, कौन सी स्पाइसेस, कौन से सीरियल्स, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि कौन सी हमारी इम्पॉर्टेंट क्रॉप बने कंट्री की। और इंडिया के पास 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं, और उन 3 क्रॉपिंग सीजन्स का नाम क्या है? राबी, खारफ एंड जैद। राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अब जो राबी क्रॉप्स हैं वो कब सोन करी जाती हैं? विंटर में, अक्टूबर से दिसंबर तक के टाइम को। पर वो हार्वेस्ट करी जाती हैं समर में, फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो सोन कब करी जाती है? विंटर में। हार्वेस्ट करी जाती है समर में। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ले, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर राबी क्रॉप्स। अब जो राबी क्रॉप्स हैं वो हमारी कौन कौन सी है इंडिया की? वीट, बार्ले, पीज, ग्राम और मस्टर्ड। दो ये क्रॉप्स जो हैं वो लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया में उगाई जाती हैं, जैसे कि स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन सब के काफ़ी सारे पार्ट्स में ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं, और ये इम्पॉर्टेंट हैं प्रोडक्शन ऑफ वीट और अदर राबी क्रॉप्स के लिए भी। सो पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब राबी क्रॉप्स उगाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन बारिश ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लन्स हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स।
अब जो अवेलेबिलिटी है प्रेसिपिटेशन की, पानी की, विंटर के महीने में, वो ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइकिल्स, जो भी पानी भी आता है वो भी वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से ही आता है, और ये एडवांटेज है क्रॉप्स के लिए। हाउएवर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज़ ऑल्सो बीन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द अबव मेंशनड रबी क्रॉप्स। जो ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ था पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, वो भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रबी क्रॉप्स के लिए। और रबी क्रॉप्स हमने पता है हमारे कौन कौन सी हैं, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड। ये तो हमने कर लिया रबी क्रॉप्स के बारे में कि रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, उनको कब सो करा जाता है, उनको कब हार्वेस्ट करा जाता है, वो कहाँ कहाँ उगती हैं, और वेस्ट और रबी क्रॉप्स के लिए क्या क्या एडवांटेजेस है। दो चीज़ें, एक है प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, और दूसरी है ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, अब आते हैं हम खारिफ क्रॉप्स पर। खारिफ क्रॉप्स कब ग्रो करी जाती हैं, ग्रो करी जाती है विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, मतलब जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है वैसे ही खारिफ क्रॉप्स को ग्रो करने लग जाते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर अक्टूबर। इनको सोन करा जाता है जैसे ही मानसून आता है और हार्वेस्ट करा जाता है सेप्टेम्बर अक्टूबर के टाइम पे। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी हैं, पैडी, मेज़, जोवार, बाजरा एंड तुर अरहर, मूंग, उरद, कॉटन, जूट एंड ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो ये सब कौन सी क्रॉप्स हैं, ये सब है खारिफ क्रॉप्स। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो ये जितनी भी स्टेट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं राइस को उगाने के लिए। ओके, रिसेंटली पैडी ऑल्सो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। दी थ्री क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर, दीज आर ओस, अमन एंड बोरो। तो वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा में पैडी क्रॉप्स की ग्रो होती हैं, वो तीन तरह की होती हैं, एक होती है ओस, दूसरी होती है अमन और तीसरी होती है बोरो। ओके, वी विल डू टिल खारिफ क्रॉप्स ओनली। नाउ हियर आई एम गिविंग यू टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द वर्कशीट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रबी क्रॉप। सेकंड क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन खारिफ क्रॉप्स। मेरे को कॉपीड वर्क नहीं चाहिए बुक से, ना ही एक दूसरे का कॉपीड वर्क। मेरे को टू द पॉइंट आंसर्स चाहिए कि वो कब सोन होते हैं, वो कब हार्वेस्ट होते हैं, वो कौन कौन सी क्रॉप्स में इंक्लूड होते हैं लाइक वीट, बार्ले, पीस, दिस सब, उनको कहाँ ग्रो करा जाता है। और रबी क्रॉप्स में हमें पता चला है कि वो उनके दो एडवांटेजियस पॉइंट्स हैं, वो लिखने हैं आपको। ओके, ऐसे ही खारिफ क्रॉप्स के साथ भी। ओके, ये हो गए आपके टू क्वेश्चंस फॉर वर्कशीट। द थर्ड क्वेश्चन विल बी व्हाट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, व्हाट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस। आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। आई वोंट डिस्कस दिस क्योंकि मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ इसी वीडियो में। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट टिल खारिफ क्रॉप्स यू आर फ्री टू आस्क। ओके,
तो हम लोग ने आज काफ़ी कुछ कवर कर लिया है।